वकार, फिर तुमने क्या फैसला किया? अभी मैंने कोई भी फैसला नहीं किया बाबा। अगर अब भी तुमने उस लड़की को इस घर से ना निकाला तो फिर दुनिया के सबसे बड़े बेगैरत हो तुम। बाबा, मैंने कहा तो तुम्हें बुरा लगा? जब सब लोग तुम्हें ऐसी बातें करेंगे फिर कैसे बर्दाश्त करोगे? बोलो। इस घर में मेरी बीवी के अलावा भी और तीन औरतें हैं, जिनमें से एक मेरी माँ, एक मेरी बहन और एक आपी की भांजी भी है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि एक औरत का किरदार, उसकी जिंदगी क्या इतनी सस्ती चीज है कि जब जी में आए उसके ऊपर कीचड़ उछाल के उसके लिए उसकी जिंदगी तंग कर दी जाए। सही और दुरुस्त फैसले तक पहुंचने की मोहलत और तकाजा हमारा मजहब भी देता है बाबा। और एक बात मेरी सुन लीजिए, मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करूंगा। आखिर तुम्हारा बेटा करना क्या चाहता है? हम सब जान चुके हैं, उस औरत की वजह से उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। शर्म, गैरत, खानदान की इज्जत, उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं। बाबा, आपको नहीं लगता कि भाई जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? पहली बार कोई मर्द किसी औरत के बारे में महज शक की वजह से फैसला नहीं लेना चाहता, ये तो अच्छी बात है ना? तुम चुप रहो, भाई की चमची, सारा गुस्सा तुम पे निकाल दूंगा। पता नहीं उस जादूगर ने क्या पढ़ के फूंका है वकार पे, जो उसे कुछ और नजर ही नहीं आता। हारिस, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम उसे थोड़ा वक्त दे दें? अगर विरसा ने एक्चुअली में चीट किया है तो कभी ना कभी तो सामने आ जाएगा, कोई चीज छुपी नहीं रहती। मुझे आप लोगों से ज्यादा कुछ तो नहीं कहना, मगर बस पापा आपसे कुछ कहना चाहते। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कही भी बातों पे मैंने यकीन नहीं किया तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझ में और आप में फर्क इतना है कि आप फैसले जरा जज्बात से करते हैं और मैं इतना बड़ा फैसला गुस्से और जज्बात में आके नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं और विरसा इस घर से जा रहे हैं। इस लड़की की वजह से अपनी मां को छोड़ दोगे? उस लड़की की वजह जिसकी वजह से इस खानदान ने इतनी तकलीफें और जिल्लत उठाई है। किसी को छोड़ नहीं रहा मां, आता जाता रहूंगा, लेकिन अब इसका इस घर में रहना मुनासिब नहीं है और आप जानती हैं क्यों, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यह अब आप लोगों के साथ यहां रहे। और अगर ये यहां से जाएगी तो मुझे तो इसके साथ जाना ही होगा। अरे तुम्हें क्यों जाना होगा, इसे भेजो ना इसके घर, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। बेटा तुम अपना घर क्यों छोड़कर जा रहे हो? इसे भेजो इसके मां बाप के घर। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, लोग तो मुसीबत से जान छुड़ाते हैं और तुम उसी के साथ रहना चाहते हो। मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने आपसे कह दिया ना, मैं आता जाता रहूंगा, बस इस वक्त मुझे जाने दीजिए। हारिस, आप क्यों नहीं कुछ कहते? हमारे एक ही बेटा है, घर होते हुए बेटा कहीं और है, हमारे खानदान वाले लोग क्या कहेंगे? हम पहले तमाशा बन चुके हैं उनके सामने,
भाई मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बस आप 5 मिनट रुके, मैं अपना जरूरी सामान लेके आती हूँ। रुको एमन, तुम मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। तो फिर आपको भी भाई को रोकना होगा। अरे बाप के सामने जबान चला रही, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बाबा मैं हमेशा आपसे अपनी जिद मनवाती आई हूँ, आज आपको मेरी जिद बदतमीजी लग रही है। एमन तुम तो ऐसा मत करो, तुम चली जाओगी तो घर में रह क्या जाएगा, मैं अकेले रहकर क्या करूंगी यहाँ। तुम कौन सा मेरी वजह से यहाँ रह रही थी, कम से कम तुम्हें मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटा तुम दोनों चले जाओगे तो मैं तो बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी, जीते जी मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे मामा आपको कुछ हो, मरे आपके दुश्मन। मैं आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकती, अगर आप मना करेंगी ना तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मगर आप खुद सोचें, वहाँ नई जगह पे नए घर में भाई अकेले कैसे रहेंगे, किसी को तो होना चाहिए ना उनके साथ। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन तुमने मुझसे वादा करना है कि तुमने अपने भाई का बहुत ख्याल रखना है। अरे मामा ये भी कोई कहने वाली बात है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं भाई का बहुत ख्याल रखूंगी। मामा प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यही हूं आपके आसपास, आप एक आवाज देंगे और मैं हाजिर हो जाऊंगा, और सभी मुझे जाने से मत रोकिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखना और भाई को तंग नहीं करना। नहीं मामा मैं भाई को बिल्कुल भी नहीं तंग करूंगी। आखिर जो तुम चाहती थी तुमने कर ही लिया, मेरे बेटे को यहां से लेके जा रही हो, तुम भी मुझसे वादा करना कि तुम इसका बहुत ख्याल रखोगी, कि मेरी जान है इसके अंदर, जो ये कहेगा वो तुम करोगी। मेरी जिंदगी शुरू और खत्म आपके बेटे से होती है, आप बेफिक्र हो जाए, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने दरवाजा बंद कर। भाई घर तो बहुत खूबसूरत है, किसका है? आपने रेंट पे लिया है? अगर तुम्हें खूबसूरत लगा तो जरूर अच्छा हो। नहीं मैंने रेंट पे नहीं लिया, मेरे दोस्त का, वो अभी 2 दिन पहले ही कनाडा शिफ्ट हुआ है और उसने मेरी जिम्मेदारी लगाई इस घर को बेचने की, क्योंकि अब वो दोबारा पाकिस्तान नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ जरूरत का हर सामान भी मौजूद होगा। मुझे कह तो रहा था वो कि कुछ सामान उसने ला के रख दिया, बाकी तुम लोग चेक कर लेना। और मेरे लिए एक कप चाय भी बनाना। मैं अभी देख लेती हूँ।